तुम ये फ्लैट होने वाली वाइफ को देना। स्वरा के इस जेस्टर का मतलब है थैंक यू। आप तो जानते ही हो ना, स्वरा बोल नहीं सकती। ध्वनि को समझ में नहीं आ रहा कि स्वरा को कैसे इतने बड़े लड़के का रिश्ता आ गया, और वो तो अंदर ही अंदर जलती जा रही है। और यहाँ पर भाई वो एक प्लानिंग करती है। अब यहाँ पर ध्वनि कहती है स्वरा से कि एक काम करो, जो वेदांत के पापा आए हैं ना तुम्हारा रिश्ता लेकर, तुम ये फ्लैट होने वाली वाइफ को देना। स्वरा के इस जेस्टर का मतलब है थैंक यू। आप तो जानते ही हो ना, स्वरा बोल नहीं सकती। उनकी चाय में ना नमक मिला दो, उनको पसंद नहीं आएगी और रिश्ता तोड़ देंगे। और वह ऐसी ही करती है, यहाँ पर उनकी चाय में नमक मिला देती है और भाई रिश्ता टूट जाता है। और यहाँ पर उनको ध्वनि पसंद आ जाती है, क्योंकि ध्वनि भाई माफ़ी वगैरह मांग लेती है, स्वरा तो बोल नहीं पाती है। उनको ऐसे लगता है कि स्वरा ने गलती की और माफ़ी वगैरह नहीं मांग पा रही है, और यहाँ पर ध्वनि इस बात का फ़ायदा उठा लेती है और उनके पैर वगैरह छूने लगती है। अब ऐसा उसको सपने में दिखाई दिया है, एक्चुअली हकीकत में कुछ और होता है। हकीकत में ये होता है कि जब स्वरा उनकी चाय में नमक मिलाती है और उनके पास लेके जाती है, तो उनको भाई बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो नमक वाली चाय पीते हैं। और यहाँ वो बोल देते हैं कि भाई देखो क्या कनेक्शन है, अब तो माता रानी भी चाहती है कि हम इसको अपनी घर की बहू बनाएं, और यहाँ पर रिश्ता पक्का हो जाता है। तो अब रुद्र निधि के लड़के के साथ साथ भाई स्वरा का रिश्ता भी पक्का कर देते हैं अपने बेटे वेदांत के साथ। और ये थोड़ा सा ना उसको अटपटा लगता है स्वरा को, क्योंकि स्वरा तो वेदांत से प्यार करती है, लेकिन अभी तक उसको ये नहीं पता है कि भाई यहाँ वेदांत की ही बात चल रही है। और रुद्र क्या करते हैं कि उसको ना फोटो दे देते हैं मोबाइल पर और बोल देते हैं कि देखो मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा अटपटा लग रहा है, एकदम से तुम्हारी शादी की बात हो गई है, तो तुम एक काम करो, तुम लड़के का फोटो देख लो और फोटो देख के मुझे बताना कि तुम्हें क्या करना है। अब भाई ये फोटो स्वरा देख पाएगी या नहीं, और यहाँ पर कहीं ध्वनि आ जाएगी और ध्वनि की फिर कोई चाल स्टार्ट हो जाएगी, तुम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए आपको सुहागन का एपिसोड कैसा लग रहा है।